वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने अपने पेज नंबर सिक्सटी फोर की रीडिंग करनी है यूनिट नंबर फाइव की विच इज़ फोर्स एंड मशीन पेज नंबर सिक्सटी फोर लास्ट टॉपिक लिवर आ लिवर इज़ सिंपल मशीन विच टर्न्स अबाउट फिक्स पॉइंट वेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द लिवर इट टर्न अबाउट द फिक्स पॉइंट द लोड एट एंड उन्होंने कहा है लिवर जो है वो हमारे पास एक सिंपल सी मशीन है जो कि अपने फिक्स पॉइंट पे वापस आ जाती है जब उसके एक एक एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो वापस आ जाती है अपने फिक्स पॉइंट पे क्यों आ जाती है ताकि वो जो है वो लोड को उठा सके अब फिक्स पॉइंट अबाउट विच टर्न्स इज़ कॉल्ड फुलक्रम जब जिसके ऊपर वो उसका वो जो फिक्स पॉइंट जिसके ऊपर लिवर वापस आ जाए जिसके ऊपर वापस आता है उसको हम क्या कहते हैं उसके पॉइंट को फुल क्रम कहते हैं द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द लिवर इज कॉल्ड एफर्ट जो फोर्स उसके ऊपर लगती है उसको हम क्या कहते हैं एफर्ट द वेट विच इज लिफ्टेड इज कॉल्ड लोड जो वेट उसके ऊपर लिफ्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं लोड सीजर फ्लायर्स क्लो हेमरडोर एंड द स्टेपलर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिवरस देयर आर थ्री काइंड ऑफ लिवर बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजिशन ऑफ द फुलक्रम द एफर्ड एंड द लूड अब उन्होंने बता दी हैं ये एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं हमें और उन्होंने बताया है कि इसकी थ्री काइंड हैं लिवर की ठीक है उनके अंदर उसका रिलेशन बताएंगे उनकी पोजीशंस बताएंगे फुलक्रम कहाँ पर फर्स्ट काइंड पर होता है एफर्ट कहाँ पर होती है लोड कहाँ पर होता है तीनों काइंड में ये डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर होंगे ठीक है फर्स्ट काइंड में हम पढ़ते हैं इन द फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर द फुलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड फर्स्ट काइंड में आप डायग्राम में देखें कि फुलक्रम जो है वो आपके पास कहाँ पर है सेंटर में है और इसके क्या है एफर्ड एंड लोड इसके लेफ्ट और राइट साइड पर आ जाएगी ठीक है फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर कैन प्रोड्यूस लार्ज फोर्स फ्रॉम अ स्मॉल एफर्ट अब क्या फर्स्ट काइंड क्या करती है लार्ज फोर्स होती है स्मॉल सी एफर्ड के ऊपर इन दिस केस एफर्ड आर्म विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ड एंड फुलक्रम इज लॉन्ग वेयर एज द लोड आर्म द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फुलक्रम इज शॉर्ट अब उन्होंने बता दिया है कि इसमें क्या होता है एफर्ड आम जो होता है एक एफर्ड आम का जो डिस्टेंस होता है बिटवीन एफर्ड एंड फुलक्रम के बीच में वो क्या होता है लॉन्ग होता है और जबकि लोड एंड फुलक्रम के बीच में क्या होता है शॉर्ट होता है एफर्ड और फुलक्रम के बीच में लॉन्ग होता है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं एफर्ड एंड फुलक्रम के बीच में क्या होता है लॉन्ग होता है इसका डिस्टेंस और जो इसका डिस्टेंस हमारे पास लोड और फुलक्रम के बीच में क्या होता है शॉर्ट होता है बाय अ लॉन्गर एफर्ड आर्म ग्रेटर फोर्स विल बी प्रोड्यूस जब लॉन्गर एफर्ड आर्म होगा तो ग्रेट हमारी जो फोर्स है उस टाइम ज़्यादा लगेगी सीजर्स प्लायर्स ओपनर एंड क्लॉ हैमर आर द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर यह आप देख सकते हैं उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दी है एल स्टैंड फॉर लोड एफ स्टैंड फॉर फुलक्रम ई स्टैंड फॉर एफर्ड अब वो दिखा रहे हैं इन तीनों फर्स्ट काइंड में जो एफर्ड है वो बैक साइड से देखें नीचे वाले साइड से लगाते हैं हम ये तीनों चीजों को यूज करते हैं अपनी रूटीन में तो आप लोगों ने इसको देखा होगा एफर्ट कहाँ पर है फुल कहाँ पर है और लोड के इसमें एक और मैं एग्जांपल बल्कि फर्स्ट काइंड में आपको ऐड करके बता देती हूँ जो सीसो होता है उसके भी सेंटर में आपने देखा फुल क्रम होता है और जो लेफ्ट और राइट साइड पर आप एक को एफर्ड कह दें और एक को आप लोड कह दें सेकेंड काइंड ऑफ लिवर इन द सेकेंड काइंड ऑफ लिवर द लोड इज बिटवीन द फुल क्रम एंड द एफर्ट अब सेकेंड काइंड में क्या होता है लोड जो होता है वो होता है सेंटर में फुलक्रम एंड एफर्ट के अब आप देखें यह जो है व्हील बोरो हमारे पास और बोटल ओपनर और नट क्रैकर तो इसके अंदर ये इसकी एग्जाम्पल्स दी है सेकेंड काइंड की थर्ड काइंड ऑफ लिवर एंड थर्ड काइंड ऑफ लिवर द एफर्ट इज बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड अब इसके थर्ड काइंड के अंदर क्या हो गया थर्ड काइंड के अंदर एफर्ट आ गई है हमारे पास ठीक है बिटवीन किसके आ गई है फुलक्रम एंड लोड के बीच में अब एफर्ट आ गई है ठीक है इन दिस केस द एफर्ट मूव्स अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर एज द लोड मूवस लॉन्ग डिस्टेंस अब इसके बीच में क्या होता है जो एफर्ट होती है उसका जो रास्ता होता है उसका जो फासला होता है वो कम हो जाता है और लोड का क्या होता है ज्यादा बड़ा हो जाता है थैंक यू